होती है, तो एक है वो दूसरी होती है आउटसाइड द अमेजोन, ठीक है। और वो फिर हमने देखा था कि आप आउटसाइड द अमेजोन में जो है वो लोग डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स यूज करते हैं, मीन्स के किसी ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, सही है, और किसी ने जो है वो जो प्रमोशनल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाके जो है वो अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करनी है, तो वो क्या कर देते हैं किस्म के लाइक के जो है वो ये कूपन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक कूपन क्या होता है, बेसिकली एक स्पेसिफिक जो है वो कोड होता है जो कि क्या कर देता है जिसके अगेंस्ट जो है वो आप अपने APIs पीछे सेट कर रखी होती हैं अपने अमेजोन की लिस्टिंग के बैकएंड के ऊपर, के अगर अगर ये स्पेसिफिक जो है वो कोड अप्लाई होगा तो जो है वो इतने परसेंट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये मीन्स कि इतना आपने क्या कर देना उसको डिस्काउंट देना है। इसकी जो है वो रियल टाइम में एग्जांपल आप यूं देख लें कि जिस तरीके से रेफरेंस होता है, सही है हमारा। तो अब जो है वो अगर किसी के जानने वाला हो तो वो जी कहता है जी अच्छा आप ये दुकानदार के पास ले जाओ, मेरा नाम लीजिएगा, तो वो आपको क्या करेगा जी, इतनी मतलब डिस्काउंट कर देगा, रियायत कर देगा, सही है। तो एक बंदा जो है वो जाता है जब उसके पास, तो वो कहता है जी मुझे फलाने शख्स ने जो है वो रेफर किया है, ठीक है। तो वो फिर जो है वो क्या कर देता है, अच्छा वो उसको जो है वो उसके लिहाज रखते हुए थोड़ा बहुत उसको क्या कर देता है, कोई भी जो चीज़ होती है उसमें ऑफ कर देता है। तो वही सेम जो है वो क्या होती है, ये आपके पास अमेजोन के ऊपर है, ठीक है। आप क्या कर देते हैं वहाँ पर जो है वो आप ये रियल टाइम में आप एक रेफरेंस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप एक जो है वो स्पेसिफिक एक जो करेक्टर्स की एक स्ट्रिंग जो है बेसिकली वो यूज कर रहे होते हैं, सही है। अब वो स्ट्रिंग जो है वो आपने ऑलरेडी जो है वो इनेबल कर रखी होती है अपनी लिस्टिंग के पीछे, सही है। तो जैसे ही जो है वो आप स्ट्रिंग देते हैं तो फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो पिक करता है, ठीक है। और तो जो भी उसके अगेंस्ट आपने उसको कहा होता है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म कर देता है, सही है। तो उसकी जो है वो एग्जांपल हमने यहाँ पर देखी थी। लाइक जिस तरीके से है हम पावर बैंक जो है वो टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शायद यस जिस तरीके से ये देखें इसने जो है वो इस वक्त 5% का जो है वो कूपन ये लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो जो है वो इनसाइड द अमेजोन जो है वो प्रमोशन कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो अगर आपने आउटसाइड द अमेजोन करनी है तो वो फिर आपको क्या मिलते हैं, अमेजोन आपको जो है वो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स कोड्स की एक लिस्ट जो है वो जनरेट करके दे देता है। तो वो आप क्या करते हैं फिर वो कोड जो है वो अपनी ऑडियंस में क्या करते थे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो भी बंदा जो है वो जाता है फिर आपकी लिस्ट के ऊपर जाके वो कोड अप्लाई करता है, तो उससे जो है वो उसको इतने परसेंट आपने किया होता है या जितनी आपने स्पेसिफिक अमाउंट जो की होती है वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, सही है। तो इसमें आपके पास जो है वो दोनों ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आप परसेंटेज में भी जो है वो ऑफ कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। लाइक अगर ये बंदा चाह रहा है कि मुझे सिर्फ मुझे जो है वो $2 ऑफ करना है, सही है, या $1.99 जो है वो ऑफ करना है, तो ये इस तरीके का भी ऑफर कर सकता है। अमेजोन जो है वो आपको दोनों तरीके से अलाउ करता है कि आपने जैसी भी प्रमोशन क्रिएट करनी है वो आप जो है वो कर सकते हैं, सही है। अच्छा अभी जो है वो टीम वीवर नहीं चल रहा, बेसिकली अगला PC जो है वो ऑफ हुआ है, वरना मैं अभी आपको जो है वह ये करके जो है वो समझा देता है कि किस तरीके से जो है वो इसको जो है वो किया जाता है, सही है, ये प्रमोशन किस तरीके से क्रिएट की जाती है, ठीक है। अच्छा देन जो है वो फिर आता है हमारे पास के अच्छा फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो मैंने शायद कल भी आपको बताई थी कि जब कूपन आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो अमेजोन आपसे भी पूछता है कि ये आपने यूनिकली जो है वो लाइक डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मीन्स मैं आपको इसको जो है वो दो ऑप्शन होते हैं, मैं उनके दोनों का आपको इन शॉर्ट टर्म्स आ देता हूँ। वो ये होते हैं कि लाइक एक में आपसे पूछ रहा होता है कि एक ही कस्टमर को आप ये कूपन बार बार ऑफर करना चाहेंगे, या आप ये चाहते हैं कि बस एक कस्टमर को जो एक अकाउंट से जो है वो अगर परचेज हुई है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट, तो आपने उसको जस्ट एक दफा जो है वो
ये ऑफ करने उसके बाद जो है उसको ऑफ नहीं देना, ठीक है। मींस कि अगर उसने बाद में परचेज करना है तो वो फुल प्राइस पे परचेज करेगा, ठीक है। तो ये बात जो है वो आपको बेसिकली मेक श्योर करनी होती है कि जब जो है वो आप क्या करें, आप जो है वो कूपन क्रिएट कर रहे हो तो ओनली वंस पे आप जो है वो क्लिक करेंगे, ताकि जो है वो एक ही बंदा जो है वो आपकी वही प्रमोशंस को जो है यूटिलाइज ना करें। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी प्रमोशन है वो यूनिकली है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, हर हर बंदे के पास जो है वो जाए, ठीक है। तो ये इसमें एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात होती होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप जो है वो कूपन क्रिएट कर रहे हो इस तरीके से, तो आपने जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी की जो लिमिट है ना वो आपने ज़रूर सेट करनी होती है, ठीक है। अदरवाइज जो है वो आप देखेंगे, अगर आप जो है वो फॉर्म्स वगैरह पढ़ते हो, आप में से कोई बंदा Helium 10 का एक ग्रुप है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप है, अमेजोन FBA किंग है, सही है, और प्राइवेट लेबल मास्टर है, ये दो तीन चार बहुत बड़े ग्रुप है, FBA हाई रोलर्स है, सही है। तो अगर आप इनके अंदर जो है वो इन ग्रुप्स में अगर आप जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पर अक्सर लोग आए होते हैं कि जी किसी ने हमें जो है वो हमारी सारी एक ही दफ़ा हमने मतलब कि जो है वो मैक्स क्वांटिटी लगाई नहीं हुई थी, किसी ने जो है वो हमारी सारी ऑर्डर इन्वेंट्री जो है वो ऑर्डर कर दी है, ठीक है। उस केस में फिर होता क्या होता है कि मतलब कि अब ये तो 5% बहुत कम जो है वो ऑफर कर रहा है, बिकॉज स्टेबल है वो, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, 5-6 हज़ार उसके ऑलमोस्ट जो है वो रिव्यूज हैं, और आप देख सकते हैं कि उसका BSR भी बहुत फिट है, 721 है ओनली फोन एक्सेसरीज में, सही है। तो मीन्स के जो है वो इसने जस्ट एक एक्स्ट्रा जो है वो अब देखें इसके 17 हज़ार है, तो इसको कम्पीट करने के लिए जस्ट इसने जो है वो क्या किया होगा, एक अपना जो है वो एक मीन्स के लिस्टिंग के ऊपर टैग लेने के लिए इसने 5% को ऑफ कर दिया होगा। वरना अदरवाइज क्या करते हैं लोग जो है वो 20% ऑफ भी देते हैं, 30% ऑफ भी देते हैं, 25% ऑफ भी देते हैं, ये तो फिर उन उस केस में होता क्या होता है कि वो 30% ऑफ के कूपन लगा के सारी इन्वेंट्री आपसे ऑर्डर कर लेते हैं, सही है। तो अब जो है वो क्या करेंगे, फिर वापस आएंगे आप ही की लिस्ट के ऊपर आके, फिर वो क्या करते हैं फुल प्राइस पे उसको बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फिर रिजल्ट में क्या होता है कि फिर जो है वो आपसे सस्ती इन्वेंट्री लेके आपकी लिस्ट के ऊपर महंगी बेची, सही है। और अगर जो रिव्यूज़ वगैरह अगर कोई इस तरीके का नेगेटिव आ गया, सही है, तो वो अब हमें पता है कि जो रिव्यूज़ है वो तो बेसिकली लिस्ट के ऊपर आता होता है, वो तो प्रोडक्ट के लिए होता है, और जो फीडबैक होता है वो सेलर के लिए होता है। तो अगर किसी के पास प्रोडक्ट अब जो है वो इस केस में अगर आपकी इन्वेंट्री FBA हो, सही है, तो उस केस में जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको फीडबैक आएंगे, ज़्यादातर जो है वो आपको रिव्यूज ही आया करते होते हैं, सही है, क्योंकि अमेजोन की जो है वो डिलीवरी सिस्टम काफ़ी फास्ट होता होता है, तो उस केस में जो है वो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि नेगेटिव फीडबैक आए सेलर के ऊपर, सही है। तो ये होता होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अगर जो है वो रिव्यू नेगेटिव आ गया, तो देन डेफिनेटली वो भी फिर जो है वो आपकी जो है वो लिस्टिंग है उसके ऊपर ही आएगा, तो मतलब कि जो है वो जितना भी लॉस होगा वो सारा आपकी तरफ ही आ रहा होगा, ठीक है। अब जिस तरीके से ये देखें, इसने जो है वो $2 ऑफ कर रखे हुए हैं, सही है, ये डायरेक्टली जो है वो आपको मनी जो है वो ऑफ करके दे रहा है, ठीक है, ऊपर परसेंटेज। अब इसने जो है वो $3 ऑफ कर रखा हुआ है, सही है, और इसने 5% ऑफ किया हुआ है। तो ये बेसिकली है वो डिजिटल कूपन होता है, इसके अंदर जो है वो ये एक बात जो है वो चेक करने वाली होती है जी, बिल्कुल। जो है वो डिजिटल कूपन जो है वो आपको जब आप कूपन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो अमेजोन आपसे पूछता है कि अच्छा मुझे बताएं कितनी अमाउंट के आपने जो है वो कूपन बांटने हैं। हम उसको कह देते हैं कि जी कूपन आप बांट दें ऐसे करें $100 के, सही है, $100 के मतलब कूपन आप बांट दें। तो इस केस में क्या होगा, जिस तरीके से ये जो है वो $2 का कूपन ऑफ कर रहा है, तो मतलब जो है वो ये हर एक को दिखाएगा, सही है, ये कूपन, और जब इसको पहले 50 लोग जो है वो रिडीम कर लेंगे, सही है, इसको मतलब क्लेम कर लेंगे, तो मतलब 50 × 2 तो वो $100, सही है, तो 100 आपके हो गए पूरे। तो अब जो है वो अमेजोन ने ऑटोमेटिकली जो है वो इसको क्या करने देना है, टर्मिनेट कर देना है, ये इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। अगर आप जो है वो चाहते हैं कि नहीं ये जो है वो लगा रहे आगे, तो फिर आके अपनी एक और जो है वो कूपन की जो कैंपेन है वो क्रिएट कर देते हैं,
तो ये होता है कितने देर के लिए लगाना है, कितने जो है वो इसके ऊपर कितने स्पेंड होने चाहिए सही है, और कितने परसेंट जो है वो होना चाहिए, और इधर जो है वो ये टेक्स्ट है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ नजर आना चाहिए, ये सब जो है वो आपके ऊपर होता होता है। आप अमेजोन को बताते होते हैं सही है कि ये चीज़ जो है वो ये लिख दो, तो फिर अमेजोन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको लेकर वैसे जो है वो उसको क्या कर देता है, इम्प्लीमेंट कर देता होता है। सही है जी। जी इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन हो कूपन से रिलेटेड? अच्छा, अब फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया आपका सारा कूपन वाला, और मैंने आपको दिया कि जो है वो आप मैक्स क्वांटिटी लगाएंगे से ये लिमिट लगाएंगे मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी की, और प्लस जो है वो साथ में आप क्या करेंगे ओनली वंस, मतलब एक बंदा जो है वो एक ही दफा उसको रिडीम कर सके। जी अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास के जो है वो लाइटनिंग डील्स के लिए बेसिकली आपको जो है वो अमेजोन की तरफ से इनविटेशन आता है, ठीक है, वो हर एक जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए जो इनवाइट किए जाते हैं सिर्फ वही जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते होते हैं, और उन्हीं की जो प्रोडक्ट्स है उनको इनरोल किया जाता है। जबकि जो ये डिजिटल कूपन होते हैं ये कोई भी सेलर जो है वो अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकता है किसी भी वक्त किसी भी टाइम, सही है, और जितना मर्जी चाहे वो प्रमोशन जो है वो कर सकता होता है, सही है, बट ये होता है कि लाइटनिंग डील जो है वो बेसिकली लिमिटेड होती है। बट इसमें होता यूँ होता है कि हर एक जो है वो जो पेज है अमेजोन का सही है उसकी ट्रैफिक जो है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट है, सही है, तो ये होता है कि जो आपकी लाइटनिंग डील है ना उस सेक्शन की जो ट्रैफिक है वो बहुत जो है वो आप समझने बहुत ज़्यादा होती होती है। सही है, म्यूट कर लें ये जिनका भी माइक खुला होगा, ठीक है, तो उस केस में ये होता है कि मतलब वहाँ आपको ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, बायर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो सेल्स के जो चांसेस होते हैं वो उस केस में जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप ये कूपन्स वगैरह और ये चीज़ें जो है वो जब आप लगा के बैठे होते हैं तो इसकी जो है वो आप निस्बत नहीं कर रहे, सही है, तो ये होता है इसमें ना जी। अच्छा, अब जो है वो आगे हमारे पास आता है कि फिर ना ईआरपी, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ली रिव्यू प्रोग्राम, ठीक है, अमेजोन जो है वो, अब ये देखें जो है वो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि अमेजोन के ऊपर जो है वो ये रिव्यूज़ हैं इनकी कहानी चलती क्या है, और इस जो रिव्यूज़ है इससे आपकी एक ब्रांच भी जो है वो निकलती है जिसको हम लोग जो है वो प्रॉक्सी मार्केटिंग बोलते हैं, सही है, और प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर क्या चलता है वो भी मैं आज आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, और जो कि एक आप यूँ समझ लें कि अगर किसी को कुछ नहीं आता और उसने जो है वो मीन्स जैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल है सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब उसकी फेसबुक इंस्टा जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो उसको यूटिलाइज करते हुए जो है वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इंस्टेंटली जो है वो अपनी इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है, तो वो उसके लिए फिर ये वाला जो है वो ये पोर्शन उसको कवर करेगा, ठीक है, तो आई होप कि जो है वो ये सब लोगों को जो है आवाज़ समझ आएगी इंशाल्लाह इस चीज़ की, तो इसको जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, एक अमेजोन के ऊपर ना अब ये देखें जो है वो जो अगर जब आप जाएंगे किसी भी फिजिकली जब आप किसी भी स्टोर को विजिट करते हैं, ठीक है, और आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी हो तो आप उसको जो है वो अपने हाथ में पकड़ के उसकी लुक फील एंड टच जो भी होती है वो बेसिकली आप जो है वो देखते हैं, ठीक है, और उसी बात से जो है वो आप उसकी क्वालिटी, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं उनका जो है वो आप आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा ये कितनी एक अच्छी प्रोडक्ट है, ये हमें परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सही है, ये तो हमारी बात हो गई फिजिकल की ना, जब आप मीन्स के खुद स्टोर पे चल के जाते हैं, तो अब ये क्योंकि जो है वो हमारे पास ऑनलाइन में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है, कि हम जो है वो पहले प्रोडक्ट को देखें या सो ऑन इस तरीके से, तो इसमें ये होता है कि इनडेफिनेटली आपको पे भी पहले करना पड़ता है फिर बाद में आपके हाथ में चीज़ आती है, सही है,
तो इसमें जो है वो फिर रिव्यूज़ बेसिकली जो है वो ऑनलाइन मार्केट में एक ऐसी चीज़ होती है जो कि उसका हिस्टोरिकल डाटा जो है वो आपको बता रही होती है, और इस एक सोशल प्रूफ होता है आपके पास, और वो उस सेलर का और उस प्रोडक्ट का पास्ट एक्सपीरियंस लोगों के साथ कैसा रहा है, इस चीज़ की जो है वो आपको क्या कर रही होती है, एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, रिव्यूज़ जो होते हैं। सही है। अब हमारे यहाँ तो यहाँ पर ऐसा मतलब बहुत कम होता है, बिकॉज़ हम जो है वो लाइक मुस्लिम्स हैं, तो हम जो है वो आख़िरत में भी हम फिर यकीन रखते हैं, हमारा फिर ये भी आ जाता है। सही है। तो हम जो है वो क्या करते हैं, अगर हमारे साथ कोई धोखा वगैरह कर जाए इस तरीके से, सही है, तो हम कहते हैं चलें जी कोई नहीं, इसको जो है वो आख़िरत में जवाब देना पड़ेगा, सो ऑन इस तरीके से। तो गोरे जो है वो फिर, क्योंकि उन लोगों का ऐसा कोई जो है वो हिसाब किताब नहीं होता, ठीक है, उन्हीं के लिए ये जो दुनिया है वही सब चीज़ है। तो वो जो है वो जब आप उनके साथ इस तरीके के काम करते हैं, तो वो फिर आपको जो है वो आपके अंजाम तक जो है वो पहुंचा के छोड़ते हैं। सही है। और वो अंजाम होता है बेसिकली रिव्यू। सही है। अगर आपने उनके साथ जो है वो आप, और फिर आपने देखा होगा कि यूएस की और ये यूरोपियन साइट की जितनी भी वेबसाइट्स होती होती हैं, सही है, उनके ऊपर जो है वो रिव्यूज़ के सेक्शंस होते हैं वो इनेबल्ड होते हैं। सही है। जो कि मतलब बायर्स को, मतलब जो के जो है वो जिनसे जिनकी मदद से वो बायर्स का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी या उससे जो है वो कैसा रहा है, वो उससे जो है वो इस चीज़ का पता करवा रहे होते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिव्यूज़ जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एक रोल है वो प्ले करते हैं इन ऑनलाइन मार्केट के अंदर। सही है। इसमें आपकी जो है वो प्रोडक्ट बेसिकली नहीं गई होती, बट जो है वो जो भी लोग होते होते हैं, सही है, उनका जो बाइंग डिसीजन होता है वो किसके ऊपर होता है, वो आपका इमेजेस, सही है, आपने जो कंटेंट लिखा है वो, और सबसे जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिव्यूज़। सही है। तो लोग जो है वो इन तीन चीज़ों, और प्राइस में भी मैटर कर जाती है, बट जो है वो प्राइस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता होता है, बट अगर हम क्योंकि स्पेसिफिकली रिव्यूज़ की बात कर रहे हैं तो हम इसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो मीन्स के रिव्यूज़ जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक जो है वो चीज़ होती होती है, जो कि आपके बाइंग डिसीजंस का जो है वो बाइंग डिसीजन में आपको जो है वो हेल्प कर रही होती है कि अच्छा इसके जो है वो रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, अब इससे जो है वो हमें परचेज़ करना चाहिए, और इसके रिव्यूज़ जो है वो बैड हैं, हमें इससे जो है वो नहीं परचेज़ करना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है। तो अब जिस तरीके से है, अच्छा ये लाइटनिंग डील्स और डिजिटल कूपन्स मैंने मैंने आपको फर्क बता दिया है ना, नहीं पता चलो तो फिर मुझे बताएं, इसको दोबारा देख लेंगे। अच्छा अच्छा जी। अब जो है वो ये एक जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब के जो हेल्प करती है आपको वाइल कुकिंग ऑयल, अगर आप देखते होंगे कि जो है वो स्प्रे किया जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ तो यहाँ पर वो एक कपड़ा सा रखा होता है ऑयल में जनाब, वही उसको जो है वो लकड़ी के साथ बांध के तो वही जनाब वो लगा लोगों देते हैं। ठीक है। तो गोरों के साथ ऐसा नहीं होता होता, वो बेसिकली जो है वो हर एक चीज़ को एक स्पेसिफिक आप यूँ समझ लें पैटर्न में जो है वो लेके चलते हैं। ठीक है। मींस के जिस काम का करने का जो तरीके कार होता होता है वो उसको जो है वो वैसे ही जो है वो लेके चलते हैं। मींस ये नहीं कि बस जो है वो एक टूथब्रश आपने लिया था वो उससे पहले आपने जो है वो फिर दांत साफ किए, सही है, फिर जो है वो फिर जो है वो किसी फिर आपके पास वो विंडोज़ की जो नुक रहती है उधर सफाई में काम आ रहा है, सही है, और फिर एंड ऑफ द डे पता नहीं किस किस कामों में वो काम आ रहा होता है। सही है।
तो इधर मतलब वो इस तरीके का सीन नहीं होता होता। अब ये जो चीज़ है सही है, ये एक मीन्स कि आपके जो ऑयल है ठीक है, उसको स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होती होती है। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे ठीक है, तो ये देखें 4.6 रेटिंग है इसकी, 8.512 रिव्यूज हैं, और इसके जो है वो 4.1 रेटिंग है सही है, और इसके ये रिव्यूज हैं। अब आप इसमें और इसमें जो है वो अंदाजा लगा लें जरा। ये देखें ये $12 का बेच रहे हैं जबकि ये $9 का बेच रहे हैं, प्लस 5% ऑफ भी दे रहे हैं। 1 मिनट जरा वेट करें। जी अच्छा, अब जो है वो अब आप यहाँ पर देखें इन दोनों की, अब ये देखें जो है वो ये सिर्फ एक ऑयल स्प्रे ऑफर कर रहे हैं ठीक है, जबकि जो ये ऑयल स्प्रे के साथ आपको 3 ब्रश भी दे रहे हैं ठीक है, और प्लस बेच भी कितने में रहा है 899, और उसके ऊपर भी 5% ऑफ है। मीन्स के जो है वो 50 सेंट्स तकरीबन ये भी आपके जो है वो बन जाएंगे, तकरीबन 30 या 40 सेंट्स आपके ये भी बन जाएंगे। मीन्स कि आपको फाइनल जो प्रोडक्ट पड़ेगी वो कूपन लगा के वो ऑलमोस्ट पड़ेगी 8.7 में या 8.6 के अंदर ठीक है, और वो इतना कम में भी दे के और एक्स्ट्रा चीज़ें दे के भी देखें, जिसका जो BSR है यहीं से आप इसकी सेल्स का अंदाज़ा लगा लें, 10,000 है, और इसका जो BSR है वो क्या है 761 है सही है। बट अगर आप यहाँ पर इनके जो है वो डिफरेंस देखें सही है, तो एक रिव्यू स्कोर में ज़रा डिफरेंस देखें, वो 4.6 है और ये कहाँ जा रहा है आपका जो है 4.1 जा रहा है। तो मीन्स आप यहाँ से देख लें कि कितनी जो है वो ये बैड प्रोडक्ट है, और उस रिव्यूज़ ने जो है सिर्फ एक रिव्यूज़ की वजह से जो है वो ये कहाँ जा रही है ठीक है। और सेम जो है वो आप यहाँ पर देख लें, इसका तो खैर जो है वो चलें 4.5 रिव्यूज इतनी ज़्यादा है, तो ये बेस्ट सेलर है ठीक है। और अगर हम बड़ी नई प्रोडक्ट्स आ गई हैं इसमें से, ठीक है, तो अब जो है वो अगर हम जो है वो इस सारे पेज को जो है वो कंपेयर करें तो ये देखें सही है, ये 4.1 है 1200 रिव्यूज़ के साथ, चलें कुछ जो है वो बेटर है, 3000 जो है वो उसके अंदर है, BSR के अंदर है सही है। देन ये आता है हमारे पास 4.1 बट 800 रिव्यूज़ हैं, तो ये 10,000 ये थोड़ा सा उससे ऊपर है सही है। बट अब इसको देखें, अब इसकी जो रेटिंग है वो बेसिकली क्या है, 3.2 वेरी बैड रेटिंग है ये सही है, और इसकी लिस्ट जो है वो बहुत जल्द सस्पेंड भी होने वाली है NCX के ऊपर, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर सही है। तो अब इसका BSR भी देखें आप क्या है, ये 53,000 है सही है। तो इस तरीके के जो है वो मीन्स के बताने की बेसिकली बात क्या है कि ये जो ऑनलाइन में जब जो होता है ऑनलाइन बाइंग के अंदर सही है, ये जो रिव्यूज़ होते हैं ये बेसिकली आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल होते हैं वो प्ले कर रहे होते हैं ठीक है। ये एक कस्टमर को बेसिकली आपकी जो प्रोडक्ट है ना उसका एक रियल टाइम जो आप यूँ समझ लें कि एक इमेज उसको जो है वो बता रहे होते हैं कि ये असल में ये जो प्रोडक्ट है ना वो है कैसी ठीक है। अच्छा अब जो है वो अब रिव्यूज़ लेना जो है वो अमेज़ोन के, अच्छा फिर लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मीन्स इंसेंटिवाइज रिव्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इंसेंटिवाइज रिव्यूज़ क्या होते हैं, ऐसी कोई भी टर्म सही है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है वो किसी को भी किसी टाइप की जो है वो आप यूँ समझ लें कि आप ऑफर पेश कर रहे होंगे इन एक्सचेंज ऑफ रिव्यू सही है। मीन आपने कहा कि जी ये जो प्रोडक्ट है मुझसे फ्री ले लो, रिव्यू कर दो, या फिर इस तरीके का कोई भी आप जो है वो
इन टर्म्स ऑफ मनी आप ऑफर कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं, तो ये जो सारा सीन है ये आता है आपका इंसेंटिवाइज्ड में, सही है, जो कि अमेज़ॉन के साथ साथ हर एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये रिव्यूज़ का सीन होता है वो उसके जो है वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के क्या है ये अगेंस्ट है। मींस आप जो है वो ये हर प्लेटफॉर्म की पॉलिसी है कि आप इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज़ नहीं ले सकते। अब इसको अगर आप जो है वो रियल लाइफ में देखें तो यही है ना। अब मैंने आपको कहा कि जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जनाब अदील साहब ये नहीं है, मैं जो है वो आपको मैंने ना ये लाइक जिस तरीके से ये एक स्प्रे वाली बोतल है मैंने ये लॉन्च की है, ज़रा मुझे बताएं, ये मैं ना आपको एक आइटम जो है वो फ्री में दे रहा हूँ, ज़रा मुझे बताएं ये कैसा है, ये सही है। अब अदील को तो जो आइटम फ्री में मिली है सही है, वो तो कभी मुझे नहीं कहेगा कि जनाब इसके अंदर ये ख़राबी है ये ख़राबी है, वो तो कहेगा वाजिब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, सही है, और सही वही जो है वो रिव्यू के अंदर जो है वो बता रहा होगा, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन एक्चुअली मतलब कि इन एक्चुअल में आपकी प्रोडक्ट वैसी नहीं है, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी वैसी नहीं है, सही है, वो परफॉर्म वैसा नहीं करती, बट क्या किया कि आपने किसी को जो है वो इस तरीके का जो है वो ऑफ़र दी फ्री में, या फिर इस तरीके समथिंग लाइक दिस इस तरीके से ऑफ़र किया, और उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए आप बिकॉज जो है वो उसको चीज़ फ्री में मिली हुई है, तो वो तो आपको ये नहीं कह सकते ना कि यार ये बड़े ख़राब बोतल है, वो उसको तो फ्री में मिली है, उसने तो तारीफ ही करनी है, ठीक है। तो ये जो इंसेंटिवाइज्ड रिव्यू इसको इसको बोलते हैं फिर इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज़, तो ये जो इंसेंटिवाइज्ड रिव्यूज़ होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ये जो है वो अमेज़ॉन इनके बड़े अगेंस्ट होता है सही है, और रिव्यूज़ को लेकर अक्सर अमेज़ॉन बड़ा सीरियस हुआ होता है, और बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ वाइप आउट भी होते हैं। वाइप आउट का मतलब ये है कि अमेज़ॉन उनके रिव्यूज़ उड़ा देता है, सही है, अगर हम जो है वो इसकी में से जो है वो कोई लिस्टिंग जिस तरीके से ये है फॉर एग्जांपल ये लिस्टिंग ओपन करें, ठीक है, और अच्छा कीपा बेसिकली स्टॉल के लिए यूज होता है, सही है, कीपा ये चल रहा है यहाँ पर, सही है। कीपा टूल बेसिकली क्या बताता है, वो आपको जो है वो इसकी रिव्यू हिस्ट्री बताता है, इसकी प्राइस बताता है, सही है, और इसका जो बीएसआर का जो ग्राफ है ना बेस्ट सेलर रैंक का ग्राफ जो होता है वो उसकी जो है वो बेसिकली सारी आपको हिस्ट्री बताता होता है ये कीपा। हर एक टूल की जो है वो अपनी अपनी आप समझ लें कि यूँ एक यू कैन से के एक स्पेशलिटी होती है, सही है। तो कीपा की जो है ना वो रिव्यूज़ मॉनिटरिंग में, ठीक है, और बीएसआर मॉनिटरिंग में ये बहुत जो है वो फिट है, ठीक है, ये आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो मॉनिटर करके देता होता है, ठीक है। अच्छा अब जो है वो इस वक्त अगर इसके देखें यहाँ पर इसने रिव्यूज़ का जो है वो रिव्यूज़ का ग्राफ जो है वो लोड नहीं किया इसने, जो इसको करना चाहिए था। अब ये देखें ये जो इधर जो लाइन चल रही है ना ये वाली ग्रीन वाली, सही है, ये इसकी चल रही है बेस्ट सेलर रैंक की, सही है। तो वो आपको बता रहा है कि देखें जो है वो थ्रू आउट द टाइम जो है वो कैस कितना इसका बीएसआर फ्लक्चुएट हो रहा है, सही है, ये इसकी रेटिंग्स की चल रही है। अच्छा जी जब लॉन्च हुई थी 3.9 रेटिंग थी पहला इसके ऊपर, जो बड़ा गंदा रिव्यू आया था, फिर डेफिनेटली इन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल रिव्यूज़ लिए होंगे ये वाले, सही है, और ये लास्ट 3 मंथ की बात है, सही है। और अगर इसको जी ये देखें जो है वो इसकी जो है वो कंप्लीट हिस्ट्री हमें बता रहा है, 196 डेज हो गई है इसको प्रोडक्ट को आए हुए। देखें जब जो है वो ये लॉन्च हुई थी तो उस वक्त इसका जो है वो बेस्ट सेलर रैंक था 31,000, सही है, और जो कि बाद में इस तरीके से नीचे आ गया, और जो है वो रिव्यू पहला आया 4 स्टार एंड देन जो है वो बाकी नेगेटिव आए रिव्यूज, तो 2.5 रेटिंग हो गई, मीन्स की जो है वो लिस्टिंग बंद हुई होगी इसकी। एंड देन जो है वो फिर उन्होंने थोड़ा ये देखें अब जो है वो आर्टिफिशियल रिव्यूज डलवा के थोड़ा उसको बेटर किया है, सही है। तो ये बेसिकली 3.9 से फिर जो है 4.3 तक लेके गए, बट अब जो है वो सेल्स की इंक्रीज हुई होंगी 7,000 बीएसआर के ऊपर, सही है, ये एक अच्छा बीएसआर होता है यहाँ पर। आप समझ लें कि अगर आपका 7,000 बीएसआर है होम एंड किचन के अंदर तो आपको 40 से 50 सेल्स जो है वो डेली की आ रही होती हैं, ठीक है। तो अब जो है वो ऑर्गेनिक रिव्यूज़ जो है वो जब आइए देखें तो उसने फिर जो है वो उसकी जो रेटिंग्स है वो उसको जो है वो देखें 4, 3.8 3.7 के ऊपर ले आए, तो ये इस तरीके से है ना, सही है। तो अब जो है वो फिर क्या होता है, अमेज़ॉन ने जो है वो आपको बेसिकली जो है वो
मना किया होगा कि आपने इस तरीके के इंसेंटिवाइज रिव्यूज नहीं लेने, ला ही आप अपने रिश्तेदारों से, करीबी से किसी से, और इस तरीके से जो है वो कुलीग्स वगैरह से रिव्यूज ले सकते हैं, या जो भी है इस तरीके का उन्होंने जो है वो फ्रेंड फैमिली सर्कल जो है वो उनसे जो है वो अमेजोन के अंदर जो है वो आप रहते हुए बिजनेस करते हुए आप उनसे जो है वो रिव्यूज नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर अब जो है वो, और दूसरी बात ये है कि अब अमेजोन का जो हिस्टोरिकल डाटा है सही है, उसके मुताबिक ये है कि जो रिव्यू रेट है अमेजोन के ऊपर वो बेसिकली जो है वो 2% है। और 2% का मतलब क्या है कि अगर 100 लोग जो है वो आपकी चीज़ को खरीदें तो उसमें से जो है वो 2 लोग जो है वो बस रिव्यू करते हैं, 98 मोस्ट लाइकली जो है वो रिव्यू करना पसंद नहीं करते, ठीक है। ये उसका हिस्टोरिकल डाटा है 1996 से लेकर अब तक जो है वो मीन्स कि जो है वो अमेज़न आपको ये बताता है कि इस पास डाटा के बेस के ऊपर जो है वो हम आपको ये बताते हैं कि जो रिव्यू हमारे जो रिव्यू जो है वो गेनिंग का जो स्कोर है सही है किसी भी लिस्टिंग का वो बेसिकली ये है, ठीक है। मतलब कि 2% है या 3% है, मतलब 100 में से 2 या 3 लोग बस आपको मैक्सिमम रिव्यू करते हैं, उसके अलावा जो है वो लोग बॉदर नहीं करते आपके आपको रिव्यू करें। और ये बिल्कुल सही बात भी है, ये मैंने बहुत सारी लिस्टिंग के ऊपर ट्रायल भी करके देखा होगा, जिस लिस्टिंग के ऊपर हम जो है वो रिव्यूज़ आर्टिफिशियली नहीं करवाते थे तो वो उनके ऊपर ऐसा ही होता था, रिव्यूज़ आते ही नहीं थे बिल्कुल भी, सही है वही कि जो है वो 100 150 सेल्स के बाद 1 2 रिव्यूज़ आ गए आ गए, अदरवाइज रिव्यूज़ नहीं आते थे, ठीक है। तो अच्छा फिर जो है वो, अब फिर हमने देखा कि रिव्यूज़ का बेसिकली जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल है इसके अंदर, ठीक है, और ये हमें चाहिए भी है, और ये आपके जो है वो दोनों में आपकी हेल्प करते हैं। एक तो ये आपकी बाइंग डिसीजन में जो है वो जो बायर्स का बाइंग डिसीजन होता है उसमें उसको हेल्प करते हैं कि अच्छा इसके जो पास्ट के जो है वो रिव्यूज़ हैं, मतलब इतने लोगों ने इसको जो है वो परचेज़ कर रखा है। दूसरी बात इसमें ये देखें कि आपके पास यहाँ पर अमेजोन के जो रिव्यूज़ होते हैं उनके ऊपर ना वेरीफाइड ये देखें परचेज लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है, ये वाला टैग कब आता है, ये टैग जो है वो उस वक्त आता है ना जब वो रिव्यू करेगा तो उसके रिव्यू के साथ ये वेरीफाइड परचेज का जो है वो टैग आ रहा होगा, मीन्स पता चल गया कि अच्छा इस बंदे ने जो है वो एवे रिव्यू नहीं किया, इसने जो है वो ये चीज़ जो है वो बेसिकली ख़रीद के ना इसने फिर जो है वो रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि जो है वो आप मोस्टली यूँ कह सकते हैं कि यस जो ये बात कर रहा है इसकी बात के ऊपर जो है वो यकीन किया जा सकता है, प्लस इसने जो है पिक्चर लगा दी हुई है तो मतलब क्या हुआ कि ये इसके रिव्यू को जो है वो और इसने सॉलिड कर दिया हुआ है कि यस ये चीज़ जो है वो ऐसी ही है जैसे कि सेलर जो है वो बता रहे हैं। अच्छा अब जो है वो मतलब कि जो है वो अब हमें ये पता चल गया कि रिव्यूज़ होंगे तो डेफिनेटली जो है वो कन्वर्जन भी ज़्यादा होगी, मतलब जो कस्टमर आएंगे सही है वो रिव्यूज़ पढ़ के और प्रोडक्ट को परचेज भी करेंगे सही है, कन्वर्जन भी होगी। और दूसरी बात ये होती है कि रैंकिंग प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से जो रिव्यूज़ होते हैं वो बेसिकली स्टेबिलिटी लेके आते हैं, जिन लोगों ने शायद कोई SEO वगैरह कर रखी हो ठीक है तो उनके लिए मैं यहाँ पर जो है चीज़ ऐड कर देता हूँ। गूगल की जो है वो SEO है सही है, और आप देख रहे हैं कि आपका जो एक कीवर्ड है सही है वो फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा कर रहा है, मीन्स इस बात का क्या मतलब होगा कीवर्ड फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब उस कीवर्ड के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली बहुत ऊपर नीचे जो है वो जा रही है, कभी दूसरे पेज पर होती है कभी तीसरे पे कभी फर्स्ट पे जाती है, इस तरीके से फ्लैक्चुएशन जो है वो चल रही है। तो उसका सलूशन यही होता है कि गूगल के अंदर जो है ना वो आप उसके ऊपर जो है वो उस कीवर्ड के ऊपर बैक लिंक लेना शुरू कर दें सही है। बैकलिंक से क्या होती है कि स्टेबिलिटी जो है वो आप समझ लेना कि वो जो है वो बेसिकली उसमें आती होती है ठीक है। और सेम इसी तरीके से जो है वो अमेजोन के ऊपर क्या होता है, अमेजोन के ऊपर जो रिव्यूज़ होते हैं ना वो बेसिकली आपकी लिस्ट को जो है ना वो स्टेबल करते हैं सही है, कि मतलब जो रिव्यूज़ होंगे सही है उससे जो आपकी जो लिस्टिंग जो है वो जंपिंग कर रही होती है कभी ऊपर नीचे जो है वो लेफ्ट राइट सही है, और कभी दूसरे पेज पे कभी पहले पे लोअर पोजीशंस में अपर पोजीशंस में सही है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना जो सेल्स वेलोसिटी के साथ साथ जो रिव्यूज़ होते हैं वो बेसिकली इसको स्टेबल कर देते हैं ठीक है, तो मीन्स कि वो अपनी जो एक पोजीशन है ना वो फिक्स कर लेती है ठीक है लिस्टिंग। अच्छा अब जब जो है वो फिर इतनी सारी लिमिटेशंस अप्लाई हो गई सही है, आपने जनाब किसी को प्रोडक्ट ऑफर करके भी रिव्यूज़ नहीं लेने सही है, किसी फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल से भी आप हेल्प नहीं ले सकते, अमेजोन का रिव्यू रेट भी जो है वो क्या है 2% है, मतलब 100 में से 2 बायर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना रिव्यू करना जो है वो पसंद करते हैं,
तो अब जो है वो जो नया बंदा लॉन्च करेगा सही है, और इसके जो है वो यहाँ पर 839 रिव्यूज़ हैं, 8000 रिव्यूज़ हैं सही है, 3000 ऑलमोस्ट 3500 रिव्यूज़ हैं सही है। तो अब इस बेचारे के लिए तो ये बड़ी मुश्किल होगी ना बात ये। तो फिर जो है वो अभी आप ये देखें, फिर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो यहाँ पर बाइंग डिसीजन होता है अमेजोन का कस्टमर उस तरीके का जो है वो कस्टमर नहीं है कि मतलब जो है वो जो $1-2 के पीछे जो है वो भागता फिरे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अमेरिकन्स बेसिकली क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको अच्छी क्वालिटी मिले, उनको $1-2 ऊपर पे करना पड़ जाएंगे नो मैटर, वो जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेते होते हैं। अगर हम करंटली जो है वो इसकी जो है वो बात करें कि इस वक्त इसी की देखें 8.99, और ये भी 8.9 प्लस 5% जो है वो ऑफ एक लहदा सी चीज़ है, मीन्स कि इसकी प्राइस जो है वो इससे डाउन होगी। ठीक है, अच्छा अब एक तो चलें ये प्राइस का ये इससे जो है वो विन कर गया, दूसरा अब ये देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 839 4.1 रेटिंग्स, मीन्स एटलीस्ट 839 लोगों ने तो इसको परचेज किया हुआ है ना सही है, मीन्स इसकी कोई सेल हिस्ट्री तो है ना। ठीक है, इसकी आप देखें कोई रिव्यूज़ नहीं है सही है, तो मीन्स अब पता नहीं है कि जो है वो ये प्रोडक्ट कैसी है, ये किस तरीके की है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो मीन्स डेफिनेटली कस्टमर्स क्या होंगे इधर ही डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगे सही है, वो इसको देखेंगे सही, लेकिन जो है वो फाइनली जो परचेज होंगे वो क्या करेंगे इस प्रोडक्ट के साथ करेंगे। तो मीन्स क्या होगा, अभी जिसने पीपीसी चला रखी है तो इन रिजल्ट में क्या होगा, ये क्लिक्स तो लेगा लेकिन सेल्स नहीं लेंगी, तो आपकी ये कॉस्ट भी जाएगी सही है, ये कॉस्ट ऊपर जाएगी। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ अमेजोन जो है वो सही है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिर आप ये देखें आपस में ना बड़ी ये इंटरलिंक और लिंक हुई है सही है, एक फैक्टर एक मैट्रिक्स हिलता है तो सारे मैट्रिक्स को जो है वो हिला के रख देता है सही है। तो फिर इसमें क्या हुआ कि अब जो है वो फिर रिव्यू लेना तो फिर कोई अजाब ही बन गया सही है, मुश्किल हो गई, अब ये अब क्या किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर जो है वो अमेजोन आपको जो है वो क्या कहता है कि हमारे पास आप आ जाए, हमारे पास क्या है ERP है सही है, इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ना आप जो आपने नई जो भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की होती है। ठीक है, अब जिस तरीके से लेट्स सपोज जिस तरीके अब इसने जो है वो नई प्रोडक्ट लॉन्च की है सही है, और इसके जो रिव्यूज़ हैं वो बेसिकली 15 से कम है, 15 से जो है वो कम है, क्योंकि इस वक्त इसके कम रिव्यूज़ हैं सही है। तो अमेजोन बेसिकली आपको ये कहता है कि आप हमें जो है वो हमारा एक प्रोग्राम है ERP, आप पहले ये समझ लें कि ERP होता क्या होता है। ERP के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स जो होती हैं इनरोल होती हैं ना, जब भी वो बिकती हैं सही है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कस्टमर जरूर होते हैं जिनके ऊपर अमेजोन का एतमाद होता है, मतलब जिनको अमेजोन अपना ट्रस्ट वर्दी कस्टमर समझता है। ठीक है, कि मीन्स ये जो है वो मैं जब इनसे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पूछूंगा तो वो मुझे झूठ नहीं बोलेंगे सही है, गलत तो बात नहीं करेंगे, जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगी वो बेसिकली जो है वो उसी के जो है वो रिफ्लेक्शन देंगे मुझे सही है। तो वो फिर क्या करता है कि जो भी प्रोडक्ट्स जो है वो ERP में इनरोल होती हैं ERP प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, वो फिर क्या करते हैं जब जैसे जैसे वो प्रोडक्ट भेजती बिकती जाती हैं तो अमेजोन जो है वो अमेजोन का एल्गोरिथम इंटरनली जो है वो अपने बायर्स की प्रोफाइल्स और उनके जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस को डेटा को एनालाइज करते हुए जो है उनको मेल्स करना शुरू कर देता है कि अच्छा मुझे बताएं कि जो है वो ये प्रोडक्ट आपने जो है वो खरीदी थी, आपका इसके साथ रिव्यू इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है सही है, और मतलब आपने इसको पसंद किया है नहीं किया या सो ऑन इस तरीके से, मतलब आपकी क्वालिटी इस क्वालिटी के बारे में आपसे पूछेगा वो, तो उसके साथ फिर वो नीचे डेफिनेटली लिंक भी देते हैं कि अच्छा आपको जो है वो प्रोडक्ट को रिव्यू करना है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, वो फिर लिंक के ऊपर क्लिक करो तो वो उसके अमेजोन के पेज के ऊपर ले आता है सही है, और फिर जो भी रिव्यूज़ होते हैं वो फिर जो है वो अमेजोन आपसे पूछ के जो है वो इस कस्टमर की लिस्ट के ऊपर क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। जब वो ये एक्टिव करेगा सही है तो उस रिव्यूज के अंदर जो है, और अगर जिस तरीके से शायद इसने यूज किया हो ERP, यस ये देखें जिस तरीके से ये है, अच्छा गोरे ये जो है वो ज्यादा यूज करते हैं ERP। ठीक है, अब ये देखें उसके, अच्छा अब जो है वो फिर अमेजोन ने आपको मेल्स की कि मुझे मुझे बताएं इस प्रोडक्ट या आपने प्रोडक्ट परचेज की थी सही है, तो कैसी लगी आपको ये प्रोडक्ट सही है, और आपका क्या इसके बारे में ख्याल है, तो आपने जनाब क्या दिया, दिस साइज इज परफेक्ट एंड गेट टू ऑफ देम प्लस लिटिल फनल क्लीनिंग ब्रश ग्रेट वैल्यू फॉर द मनी। ठीक है, 5 स्टार उसने दे दिया, और साथ में जो है वो क्योंकि ये
अमेज़ॉन ने इसके इस रिव्यू के बदले में एफर्ट की थी, सही है, और उसकी तरफ से आपको आया, तो ये बेसिकली जो है वो मोस्ट ऑथेंटिक रिव्यू जो है वो समझा जाता है, सही है। मीन्स कि जो है वो जब भी कोई अगर जो है वो आपकी लिस्ट के ऊपर बॉट आके जो है वो क्रॉल करता है आपकी लिस्टिंग को, सही है कि रिव्यूज़ आपने रिव्यूज मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे, तो जिसके साथ ERP होगा उसको तो वैसे ही छोड़ देगा वो, कि क्योंकि ये वो तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म से आया हुआ, उन्होंने खुद ही आपको लेके दिया हुआ, तो वो तो झूठ नहीं बोल सकते, सही है। तो उसके साथ फिर क्या आएगा आपके पास जो है वो ERP का जो है वो ये टैग आ जाएगा, सही है। इससे मतलब ये पता चल जाता है कि ये अर्ली रिव्यू प्रोग्राम से जो है वो अमेज़ॉन के तरफ से खुद से जो है वो आपके पास आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो अमेज़ॉन आपसे जो है वो $60 जो है वो चार्ज करता है, ठीक है। $60 के साथ साथ जो है वो आपकी लिस्ट के ऊपर जो रिव्यूज़ हैं वो बेसिकली 15 से कम होने चाहिए, तो ये देन फिर आप क्या करते हैं, अब जिस तरीके से इस वक्त जो है वो अगर हम इन दोनों की एग्जाम्पल लें तो ये एसन जो है वो एलिजिबल है ERP के लिए, सही है, बिकॉज इसके पास कोई रिव्यू नहीं है, और ये एसन जो है वो इस वक्त एलिजिबल नहीं है ERP के लिए बिकॉज इसके पास ये 39 रिव्यूज हैं, जबकि अमेजोन कहता है कि मैक्सिमम 15 रिव्यूज हो तो आप ERP में इनरोल कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा रिव्यूज हैं तो वो फिर हम आपको ERP में इनरोल नहीं कर सकते वो, क्योंकि एक अब वो अपने नेम से बता रहा है कि अर्ली रिव्यू रिवार्ड्स, मीन्स के अर्ली मतलब जस्ट आपने स्टार्ट किया और उस वक्त जो आपको रिव्यूज चाहिए अमेजोन आपको वो हेल्प कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो आपका अर्ली रिव्यू प्रोग्राम होता होता है, ठीक है। और इससे मतलब कि जो है वो जिस रिव्यूज़ के ऊपर आपको जो है वो ये लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, तो ये तो अब आपको जो है वो ये अब पता चल जाएगा कि अच्छा ये बेसिकली इसके बैकएंड के ऊपर के जो है वो क्या फंक्शनलिटी चल रही है और क्या काम हो रहा है। अच्छा फिर अब क्या हुआ कि अब रिव्यूज़ लाना जो है वो अब ERP से भी जो है वो इतने कोई ख़ास आप यूँ समझ लें कि रिव्यूज़ नहीं आते, 5 रिव्यूज़ आते हैं उसके बाद फिर ख़त्म। तो ये अब जो है वो जिस जो जो इस तरीके की कंपेटिटिव मार्केट में लॉन्च कर रहा है उधर तो 5 रिव्यूज़ कोई काम नहीं करने वाले ना, अब ये देखें जो है वो 3,800 8,000 अब इसके अंदर के जो आपके जो है वो 5 रिव्यूज अगर अमेज़न आपको दे देता है तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं होती, प्लस उसने पैसे भी तो चार्ज किए आपसे, सही है। तो इधर जो इनको कम्पीट करने के लिए आपको भी एटलीस्ट 500 600 रिव्यूज जो है वो चाहिए, सही है। अब फिर क्या हुआ कि अब जो सेलर है वो अब वो बेसिकली ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि जो आप ईमेल वगैरह अमेज़न को देते हैं, सही है, वो ईमेल बेसिकली मॉनिटर भी हो रही होती है, सही है, अमेज़ॉन उसके ऊपर चेक इन लगा के बैठा होता है कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो कर रहे हैं, सही है। अगर आप जो है वो फेसबुक के ऊपर किसी को मैसेज मैसेज करेंगे, सही है, और ये रिव्यूज़ वाले सीन विन करेंगे, ठीक है, तो अमेज़ॉन ने डेफिनेटली आपको पकड़ पकड़ लेना वहाँ से। फिर जो है वो आपको सस्पेंशन की मेल आई होती है कि जी आप रिव्यूज़ की मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो ये बाहर आ जाए इससे ना, और ऐसा अक्सर हुआ है, ठीक है, कि जो लोग जो सेलर थे एक्चुअली खुद ही, तो ये वो लोग जब जो है वो इस तरीके से मीन्स लोगों को जाके ऑफर शोफर कर रहे थे अपनी प्रोडक्ट्स, तो अमेज़ॉन ने उनको पकड़ लिया कि जो है वो आप ये इस तरीके का काम कर रहे हैं इससे बाहर आ जाए। तो फिर इसके लिए फिर क्या हुआ कि फिर जो है वो इन्होंने ये वाला काम जो है वो आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो लड़के लोग जो है वो ये पकड़ना शुरू कर दिए जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक्टिव हैं, जिन मतलब जो गोरों गोरियों के साथ बात करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने उनसे कहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो है वो पॉक्सी मार्केटिंग ने जो है वो उसने उसकी जो है वो पूरी साइंस यहाँ पर आ गई कि फिर जो है वो जो सेलर था उसने अब ये काम खुद नहीं शुरू किया, सही है, उसने बल्कि ये काम जो है आउटसोर्स कर दिया किसी भी थर्ड पार्टी को। उसके फिर लोग क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्ट लेके या बाकी सारे जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि रेडिट है, लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको जो है वो US में और इधर बाकी कंट्रीज में, तो उधर जो भी लोग होते हैं, अब आप देखें कि हर एक बंदे का एक स्पेसिफिक क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, कोई भी एक प्रोफाइल आप ओपन करके देख लें, ठीक है, तो उसके जो है वो कोई ना कोई ट्रस्ट मतलब इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखता होता है, सही है, कोई डाइनिंग किचनिंग में इंटरेस्ट रखता है, सही है, कोई जो है वो यूं समझ लें कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है इस तरीके से। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से ये है, सही है, ये एक बॉटल लॉन्च हुई है, सही है, सेलर ने कहा कि जी मुझे जो है वो क्या चाहिए, मुझे ना इसके ऊपर रिव्यूज चाहिए, उसने जो है वो 10 बंदे अपने पास रख लिए जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, और उसने कहा जिला जाओ
अब इसके बदले में होता क्या होता है कि जो सेलर होता है वो बेसिकली क्या करता है, इस पूरे प्रोडक्ट की जो प्राइस होता है वो रिफंड करता है कस्टमर्स को। सही है। इसमें फिर एक चीज़ और भी चलती है कि जो जब हम जो है वो रिफंड कर रहे होते हैं वो बेसिकली जो है वो अच्छा पहले फिर बायर का काम क्या होता है, बायर का काम बेसिकली ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ना अमेजोन के ऊपर है, सही है, ये स्पेसिफिक एक कीवर्ड टाइप करके ठीक है आप जाओ सही है और ये वाली हमें प्रोडक्ट परचेज कर लेना सही है, जितना भी आपका ऑर्डर टोटल बनेगा सही है आपने जो अमेजोन को पे किया है वो हम आपको आउटसाइड द अमेजोन आपके पेपैल में जो है वो हम ट्रांसफर कर देंगे। सही है। अच्छा फिर जो है वो यहाँ पर फिर आता है कि कुछ लोग जो है वो पेपैल फीस और जो टैक्सेस होते हैं वो करते हैं सही है, वो भी साथ में बायर्स को देते हैं, कह रहे हैं वो जो है वो बायर सेलर जो बायर जो है वो खुद ही बेयर करेगा। ठीक है, तो वो हर एक की अपनी अपनी क्या होती है आप यूँ समझ लें कि जो है वो कंडीशन होती होती है। ठीक है। अच्छा अब जो है वो फिर यहाँ पर क्या होता है कि फिर जब उसने क्या किया, 2 4 5 7 बंदे रख लिया, अब वो बंदों ने क्या किया, उन्होंने कहा जी अच्छा, अब उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो टैग यूज़ किया हैश किचन का, हैश डाइनिंग, हैश चिकन, हैश कुकिंग। सही है। तो मतलब हैश इसको जो है वो हैश टैग बोलते होते हैं। सही है। और इसके ऊपर अब इस तरीके से हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है। इधर जो है वो अच्छा ये विदाउट लॉगिन सर्च करने देगा, ये विदाउट लॉगिन नहीं सर्च करने दे रहा, तो मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता। चलो जी। अच्छा अब इधर बेसिकली क्या होगा, आप फिर जब हैश टैग यूज़ करेंगे हैश डाइनिंग का सही है या हैश कुकिंग का, तो देन डेफिनेटली जो है वो आपके पास वो सारे लोग आ जाएंगे जिन जिन का इंटरेस्ट जो है वो कुकिंग के अंदर होगा। आपने देखे कि अच्छा जी एक जो गोरी है वो बड़ी जो है वो चिकन बना रही है, ठीक है, बड़े खाने छाने बना रही है, और अब क्योंकि ये जो आइटम है वो उससे लिंक करती है ना। सही है। अब वो जब खाने वगैरह बनाती होगी देन डेफिनेटली ऑयल स्प्रे करने के लिए उसको ऑयल स्प्रेयर भी चाहिए होगा। ठीक है। अब वो US के अंदर रहती है तो उसके पास डेफिनेटली अमेजोन का अकाउंट भी होगा, पेपैल तो वैसे ही होता है हर किसी के पास। तो फिर अब आप उसको फिर आप क्या करते हैं, पिंग करते हैं। ठीक है कि जी हमने जो है वो ये एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है और हमें जो है वो टेस्टर चाहिए, क्या आप हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, हम आपको जो है वो ये प्रोडक्ट फ्री में ऑफर करने शुरू कर देंगे, मीन्स आपने जस्ट जाके अमेजोन से परचेज करनी है, तो अब हमें पेपैल आईडी और अपना जो है वो मीन्स के पेपैल और ऑर्डर नंबर आप दे देंगे तो हम वो वेरीफाई करके आपको रिफंड कर देंगे, प्लस इसके बदले में जो है आप हमें अपना जो है वो ओपिनियन ऑनेस्ट जो है वो रिव्यू देंगे। सही है। अब ऑनेस्ट की कहानी तो यहीं पर ख़त्म होगी जब आपने उसको कहा था कि जो है वो हम आपको जो है वो ये फ्री में जो है वो रिफंड कर देंगे। अब जब उसको भी तो समझ लगी कि अच्छा ये जो है जब अभी कोई कोई बंदा इतना तो खैर पागल नहीं है कि मतलब जो है वो जो आपको पैसे भी दे वो साथ में आपकी अपने प्रोडक्ट में कीड़े भी निकलवाए, तो देन डेफिनेटली जो बंदा आपसे जो है वो पैसे ले रहा है तो वो आपकी प्रोडक्ट की तारीफ ही करेगा। ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि चलें जी अच्छा उसने कहा जी ठीक है, अच्छा ही उसने देखा कि अच्छा मैं कुकिंग करती हूँ तो ये मुझे ऑयल स्प्रेयर जो है वो मुझे भी चाहिए होता है, ठीक है, और ये मुफ्त में मिल रहा तो क्यों ना इसको जो है वो ले लिया जाए। तो वो फिर क्या करेगी, हाँ ठीक है अच्छा मैं इंटरेस्टेड हूँ मुझे बताएं क्या करना, तो वो फिर आप उसको बताते हैं कि अच्छा ये लो ये कीवर्ड जो है वो टाइप करो और फिर 2 4 प्रोडक्ट्स जो है वो खोल के देख लेना। सही है। फिर उसके बाद जो है वो ये प्रोडक्ट खोलना और इसको जो है ऑर्डर प्लेस कर देना, और बाद में क्या करना जब ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाए उस वक्त आप क्या करना इसका रिव्यू कर देना। सही है। तो जब वो फिर रिव्यू हो जाता है फिर आप क्या कहते हैं वो उस रिव्यू का स्क्रीन शॉट सही है वो ऑर्डर आईडी और वो उसका पेपर लेके आप सेलर को जो है भेज देते हैं। अच्छा सेलर देखते हैं कि अच्छा ये ऑर्डर जो है वो वेरीफाइड हुआ, वह रिव्यू भी आया, वह सब कुछ हो गया, तो देन उसके बाद क्या करता है वो फिर जो है वो उस जो बायर होता है उसको क्या कर देता है, वो रिफंड कर देता है उतनी अमाउंट जो उसने पे की थी अमेजोन के ऊपर, और उसके बदले में आपको जो कमीशन होता है वो आपको कमीशन मिल जाता है। ये बेसिकली आपकी फिर यहाँ पर क्या होती है, इस रिव्यूज़ के एक सेक्शन से एक जो स्ट्रीम निकलती है इनकम स्ट्रीम, इसको बोल सकते हैं हम के प्रॉक्सी मार्केटिंग की। सही है जी। ये आपके पास है एक चीज़, आई होप कि सब लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। सर
डॉट टूल्स का, ठीक है। तो मतलब सारा फंक्शन इसमें वही होता है जो कि हीलियम के अंदर होता है, जो हीलियम में जो है वो आपकी कीवर्ड रिसर्च है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एनालिटिक्स है, सही है, और कीवर्ड ट्रैकर वगैरह है जो भी, वो सारे इसी के अंदर है, वो भी सारे इसी में ही है, सही है। बट ये होता है कि ये ऑटोमेशन के हिसाब से ना बहुत बेस्ट है, ये वाली सही है इसकी, मीन्स इसके एक लास्ट लॉन्च के नाम से है, सही है, जिसमें अंदर आपको मनीचैट के फ्लोज वगैरह मिलते हैं, तो ये मतलब ये इस तरीके से काफ़ी इन्होंने काम किया, और सही है। ये बेसिकली आपके अमेजोन अकाउंट से जो है वो आपको लिंक करवाना पड़ता है इनका जो सेलर टूल होता है, सही है। तो उसके बाद जो है वो फिर मतलब काफ़ी जो है वो ऑटोमेट कर, जिस तरीके से अमेजोन सेलर अकाउंट, इसमें एक अलाउड कीवर्ड्स, कीवर्ड इंडेक्स 2.0, सही है, लास्ट सर्च आ रही होती है, सही है, इसमें रिवर्स सेशन वही सेरिब्रो वाला, रिपोर्ट कार्ड होता है, सही है, लिस्टिंग मैनेजर होता है, एटीएसएस होता है, पिक रिव्यू रिवार्ड लिंक होता है, सही है, ब्लैक लिस्ट वॉलेट डैशबोर्ड कॉल, इस तरीके से जो है। अब प्रिज्म, प्रिज्म होता है, प्रिज्म बेसिकली आपका वही है जो आपका ब्लैक बॉक्स है, सही है, इन्वेंट्री लॉक पीपीसी लॉक लॉन्च, सही है। तो ये इनका ग्रुप है अमेजोन एफ बी ए किंग्स, वहां पर ना इनका होता है ये, हाँ ये एलेक्स काफी अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है ये। देखे भाई, जब आप क्या करते हैं अमेजोन के ऊपर जो है वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सही है, तो उस वक्त अमेजोन जो है वो आपको हेल्प करता है कि शुरू के कुछ रिव्यूज में जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बदले में अमेजोन आपसे जो है वो $60 चार्ज करता है, $60, ठीक है। और मोस्ट लाइकली ये होता है कि आपको जो है वो 5 जो है वो रिव्यूज जो है ना वो बेसिकली यहाँ से आपको जो है वो मिल जाते होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सारा सीन होता है इसके अंदर जो है वो ईआरपी आप उसको बोलते हैं, और ईआरपी से जो भी आपको रिव्यूज आते हैं, सही है, उनके ऊपर फिर एक अलग से जो है वो एक टैग लगा होता है, ठीक है। और उस टैग वो आप वो टैग जो आपके पास रिव्यूज के ऊपर भी नजर आ रहा होता है, जिस तरीके से ये देखेंगे ये वाला कि अगले रिव्यू रिवार्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है वो ईआरपी होता है ये। सर, एक प्रोडक्ट के ऊपर हम कूपन लगाते हैं, और एक प्रोडक्ट जो होती है उसके ऊपर कट लगा होता है प्राइस के ऊपर, यानी कि $32 की है तो वो 30 की करके उसने मेंशन की होती है, लेकिन 32 पर कट लगाया होता है, वो भी कूपन ही होता है या कोई और चीज़ होती है सर? नहीं, वो बेसिकली आपका प्राइस कट उसको बोलते हैं कि वो उसने जो है अपनी प्राइस डाउन की होती है, वो जो है वो उसमें उसमें फर्क होता है प्राइस कूपन में और उसमें ना। कूपन जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, बट वो जो प्राइस होती है और वो आपको जो है वो उसके लिए कुछ परमानेंट पैसा होती लाना पड़ता है, सही है, वो बाय डिफॉल्ट आपकी लगी होती है। सर? एक वेबसाइट थी सर, वो कौन सी सब थी जो जिस पे हमें कूपन मिलते हैं? वो रिबेट की है आपके पास, जंप सेंड है, जोन जंप है, सही है, जोन जंप सर, हाँ जी, जोन जंप है, जंप सेंड है, बट ये जोन जंप है, जोन सेंड जो है वो यहाँ पे एक्चुअली वो नहीं कर रहे होते प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर नहीं कर रहे होते, जी बट जो है वो जो समझ लें कि रिबेट की जो है वो वहाँ से अगर आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इनको। सर, हम ये कूपन अपने इस किस तरह साइट पे लगा सकते हैं, अगर हम अपनी प्रोडक्ट का लगा रहे हो तो उसके उस टाइम हमें किस तरह इसको करना चाहिए? उसके लिए आपको जो है वो वहाँ पर अकाउंट जो है वो बनाना पड़ता है, सही है। आप अकाउंट बना के तो जो है वो उनका जो पैकेज होता है, हर हर एक जो है वो हर एक आप यूँ समझ लें कि जो साइट है उसका एक पैकेज होता है कि अच्छा इसके लाइक के हर कूपन को डिस्ट्रीब्यूट करने के कोई $2 लेता है, कोई $3 लेता है, कोई हर मतलब जो जिसकी होती है, तो आप उनका पैकेज लेके तो जो है वो अब अपनी प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर लिस्ट कर देते हैं, तो आफ्टर जो है वो 24
अपनी अप्रूवल के बाद जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाती है उनके पोर्टल के ऊपर, और जो उनकी ऑडियंस होती है उनको नजर आ रही होती है वो। और सर अकाउंट किसका बताया सर, कहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ता है? रिबेट के ऊपर, मतलब जो भी प्रमोशनल वेबसाइट है रिबेट की मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दी है, इसके अलावा और भी वेबसाइट होंगी, ये लोग पहले यूज़ करते थे बट अब नहीं यूज़ करते, तो रिबेट की जो है वो एक बहुत पुरानी वेबसाइट है सही है। तो इस पर भी, इस पर भी सर कोई अमेजोन के चार्जेस होते हैं या रिबेट की इस प्लेटफॉर्म की? रिबेट ये बेसिकली रिबेट की एक थर्ड पार्टी जो है वेबसाइट है सही है, जो कि आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रही होती है, तो चार्ज भी आपसे वही करती है रिबेट की करती है, इससे आप अमेजोन को भी लेन देन नहीं होता। यानी कि सर जिस तरह हम जो डिजिटल कूपन अपना बनाया है उस पे आप तो अलग से दे रहे हैं और हम रिबेट की को अलग से फाइन देंगे। हाँ जी, रिबेट की को आप जो है वो पैसे देंगे जो वो आपकी प्रमोशन कर रही है सही है। और अमेज़न के कितना होता है मिनिमम सर इसका, पर प्रोडक्ट होता है या किस तरह हिसाब होता है, प्राइस के हिसाब से होता है इनका जो टैक्स चार्ज होते हैं? आप जाकर जो है वो रिबेट की के बस जो है वो जस्ट आप रिबेट की ओपन करें, वहाँ पर हर एक जो साइट होती है उसकी प्राइसिंग का जो है वो होता है टाइप सही है, जिस तरीके से ये है, जिस तरीके से देखें ये इनकी प्राइसिंग है सही है, $57 में ये ऑफर करेंगे, $97 में ये ऑफर करेंगे सही है, और $197 में ये आपको ऑफर करेंगे, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। सर ये लाइव पर मंथ बता रहे हैं? जी ये पर मंथ है। थैंक यू सर। सॉरी।